राय साहब लखनऊ के जाने माने एडवोकेट हैं। उनकी एक बेटी है, उनकी पत्नी का निधन पहले ही हो गया है, इसलिए उन्होंने अपनी बेटी को बहुत ही चाव से पाला है। बेटी सुंदर है, चुलबुली है और बहुत ज़्यादा एस्थेटिक है, यानी उसे रोमांटिक है, उसे दुनिया में फैशन में रुचि है, सपने देखती है, तो उस बेटी को पिंक रंग पसंद है। राव साहब यानी जो लखनऊ के प्रसिद्ध वकील हैं, अपनी बेटी पर जान छिड़कते हैं, उसकी हर चीज़ का ख्याल रखते हैं, उसे बहुत ही ज़्यादा ध्यान देते हैं। उस बेटी का, उस लड़की का, उस लड़की की शादी एक वकील से ही हो जाती है, जो कि उनके पापा का दोस्त है, जूनियर है, वो भी एक अच्छा वकील है, लेकिन वह कुछ अनवर्डली है, डिटैच्ड है, थोड़ा आध्यात्मिक सा है, दुनियादारी से अलग सा है, प्रैक्टिकल है, रेशनल है, तो दोनों की जोड़ी बेमेल सी है। यह उपन्यास अनिता देसाई का पहला उपन्यास है, 1963 में लिखा गया था। यह इस लड़की का नाम माया है और जिससे इसकी शादी होती है उसका नाम गौतम है। दोनों के नामों के भी अर्थ हैं और प्रतीक हैं, यानी माया जिसे दुनिया में, जिंदगी में, रोमांटिसिज्म में बहुत ही रुचि हो, गौतम जो थोड़ा अलग थलग हो, डिटैच्ड हो, अपना काम करता हो लेकिन बहुत रोमांटिक न हो, स्पिरिचुअल हो। स्ट्रीम ऑफ कॉन्शसनेस टेक्निक से 3 सेक्शंस में विभाजित इस उपन्यास का नाम क्राई द पीकॉक है। इसमें दिखाया गया है कि एक लड़की अपनी इच्छाओं के पूरा न होने पर कैसे डिप्रेशन में जाती है और एक समझदार लड़की कैसे पागल हो जाती है। माया के कोई बच्चा नहीं होता है और वह एक पेट डॉग टोटो से बहुत प्यार करती है। वह उसका चाइल्ड सब्स्टिट्यूट होता है, उसके संतति का विकल्प होता है और टोटो की भी मृत्यु हो जाती है, जिससे माया को बहुत ही ज़्यादा सदमा पहुँचता है, जिसकी परिणत महाविनाश में होती है और इस विनाश की चेतावनी एक एल्बिनो एस्ट्रोलॉजर ने माया को बचपन में दे दी थी। और यह जो एक एल्बिनो एस्ट्रोलॉजर की चेतावनी थी कि माया की शादी एक विनाश डिजास्टर होगा और शादी के 4 साल के अंदर ही या 4 साल के बाद माया की या उसके पति की, दोनों में से किसी एक का निधन हो जाएगा, माया का या उसके पति का, दोनों में से किसी एक की डेथ हो जाएगी, तो यह भविष्यवाणी माया के अंतर मन में गूंजती रहती है। और 4 साल बीत जाते हैं परंतु ऐसा कुछ नहीं होता है, लेकिन माया के डिजास्टर में, माया की दुर्दशा में या इस उपन्यास के
ट्रेजिक अंत में इस भविष्यवाणी का, इस एल्बिनो एस्ट्रोलॉजर की भविष्यवाणी का भी योगदान है। तो क्राई द पीकॉक जो कि अनिता देसाई का 3 सेक्शंस का प्रथम उपन्यास है, 1963 में लिखा गया, जिसमें जैसे मोर रोता है, चिल्लाता है, चीखता है, क्रंदन करता है, वैसे माया का अंतर्मन रोता रहता है, क्रंदन करता रहता है। तो क्राई द पीकॉक का अध्ययन करते हैं। क्राई द पीकॉक, अनीता देसाई, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शसनेस टेक्निक, पब्लिश्ड 1963, साहित्य अकादमी अवार्ड फॉर फायर ऑन द माउंटेन 1978। तो अनीता देसाई को साहित्य अकादमी अवार्ड मिला है, लेकिन क्राई द पीकॉक पर नहीं मिला है, वरन 1978 के उपन्यास फायर ऑन द माउंटेन के लिए उन्हें साहित्य अकादमी अवार्ड मिला है। पोर्ट्रियल ऑफ एग्जिस्टेंशियल ग्रीफ, द मेन कैरेक्टर माया स्ट्रगल्स विद अ सीवियर सेंस ऑफ मीनिंगलेसनेस एंड एन ऑनगोइंग एंग्जाइटी ऑफ पासिंग अवे, यानी माया के अंदर यह चिंता है कि उसकी मृत्यु हो जाएगी, ऑनगोइंग एंग्जाइटी ऑफ पासिंग अवे। देसाई अंडरलाइंस द इम्पॉर्टेंस ऑफ शनिंग सोशल रिस्ट्रेंट्स इन ऑर्डर टू रीडिस्कवर वंस यूनिकनेस एंड फाइंड पर्सनल प्लेजर। अनीता देसाई इस बात को रेखांकित करती हैं कि वैयक्तिक आनंद के लिए, अपनी पुनर्खोज के लिए किसी को भी जो सामाजिक बंधन हैं इनको त्यागना चाहिए, इनकी उपेक्षा करनी चाहिए। थ्रू आउट द इंटायर नावल मायाज एक्सपीरियंस आर जक्स्टापोज्ड विद द माइथोलॉजी सराउंडिंग द पीकॉक। पूरे उपन्यास में जो मोर के लिए एक मिथ है उसका उपयोग किया गया है। अ सिंबल ऑफ ब्यूटी प्राइड एंड लॉन्गिंग, मोर सुंदरता का, गौरव का, चाहत का प्रतीक होता है, जैसे कि माया ब्यूटी प्राइड और लॉन्गिंग का प्रतीक है। थीम्स, साइकोलॉजिकल टर्मोइल, एग्जिस्टेंशियल डिस्पेयर, जेंडर रोल्स एंड एक्सपेक्टेशन, पैट्रियार्की। इस उपन्यास को फेमिनिज्म से भी जोड़ा जाता है और इसमें जो परंपराएं हैं, जो रिस्ट्रेंट हैं, जो अवरोध हैं, उनको पितृसत्ता, पैट्रियार्की से जोड़ा जाता है। नेचर एज ए सोर्स ऑफ सोलेस, माया प्रकृति में सांत्वना प्राप्त करने की कोशिश करती है। अनप्लीजेंट मैरिज, इसकी सबसे बड़ी थीम अनप्लीजेंट मैरिज है। पीकॉक्स क्राई अ रिकरिंग मोटिव मिरर्स मायाज इनर कॉन्फ्लिक्ट्स एंड डिजायर्स। मोर का रोना चिल्लाना माया के अंतर्द्वंद और उसकी इच्छाओं का, हसरतों का, चाहतों का प्रतीक है। द रिप्रेशन ऑफ फीलिंग्स, फादर फिक्सेशन इन माया। माया को उसके पापा एडवोकेट राय साहब बहुत ही प्यार करते थे, जैसे कि पापा अपनी बेटियों को प्यार करते हैं। तो माया का जब वैवाहिक जीवन असफल होने लगता है, अपने पति से उसका मानसिक रूप से वो बेमेल होने लगता है, तब उसमें फादर फिक्सेशन आ जाता है, या फादर फिक्सेशन कारण उसका वैवाहिक जीवन में दिक्कतें आती हैं। करेक्टर्स, माया डॉटर ऑफ ए लायर ऑफ लखनऊ,
मैरी टू गौतम एक्सट्रीमली सेंसिटिव गर्ल अनप्लीजेंट मैरिज। अर्जुन मायाज ब्रदर वेंट टू अमेरिका। माया का भाई अर्जुन होता है जो अध्ययन के लिए अमेरिका चला जाता है। गौतम एन एडवोकेट मायाज हस्बैंड प्रैक्टिकल। गौतम प्रैक्टिकल है, रेशनल है, वो माया की तरह रोमांटिक नहीं है। टोटो मायाज पेट डॉग चाइल्ड सब्स्टिट्यूट फॉर माया। टोटो डाइज, जब टोटो मर जाता है तो माया बहुत दुखी होती है। गौतम आता है, उसे चाय पीना है, वो चाय की बात करता है। माया को लगता है कि गौतम कितना असंवेदनशील है, उसे टोटो के मृत्यु का दुख नहीं है। गौतम बाद में माया के लिए एक बिल्ली लाता है, लेकिन माया इस सदमे से उबर नहीं पाती है। एल्बिनो एस्ट्रोलॉजर प्रिडिक्ट्स दैट मायाज मैरिज विल बी अ डिजास्टर। आफ्टर 4 years वन पर्सन विल डाई बट नोबडी डाइड आफ्टर 4 years। इस उपन्यास में एल्बिनो एस्ट्रोलॉजर की एक बड़ी भूमिका है और उसकी भविष्यवाणी माया को डिप्रेस करने में बड़ी भूमिका निभाती हैं। लीला मायाज फ्रेंड। नावल इज डिवाइडेड इन 3 sections। उपन्यास 3 खंडों में विभाजित है। नीला गौतम से सिस्टर, नीला गौतम की बहन है यानी माया की ननद है। माया और गौतम विल डाई आफ्टर 4 years ऑफ मैरिज। एस्ट्रोलॉजर्स प्रोफेसी, यानी एल्बिनो एस्ट्रोलॉजर ये भविष्यवाणी करता है कि शादी के 4 साल बाद माया या गौतम किसी की मृत्यु हो जाएगी। स्ट्रक्चर, नावल 3 parts या 3 section में डिवाइड है। 3 parts। द फर्स्ट पार्ट ऑफ द नावल डिस्क्राइब्स एन इवेंट। जो पहला नावल का हिस्सा है उसमें एल्बिनो एस्ट्रोलॉजर वाला इवेंट है। 3rd person नरेटिव, और जो पहला हिस्सा है उसमें 3rd person नरेटिव है। द सेकेंड पार्ट रिवील्स द ग्रेजुअल चेंजेस बाय विच माया मूव्स फ्रॉम सैनिटी टू इनसैनिटी। सेकेंड पार्ट सबसे महत्वपूर्ण है, इसे नावल का जिस्ट भी कहा जाता है। यह 1st person नरेटिव में है। इसमें दिखाया गया है कि एक समझदार माया कैसे धीरे धीरे पागल हो जाती है। 1st person नरेटिव 7 chapters, सेकेंड पार्ट में 7 chapters हैं। कंसीडर्ड एज अ जिस्ट, ये नावल का जिस्ट माना जाता है। द 3rd part फाइनल सेक्शन विच एक्ट्स एज द एपिलॉग प्रोवाइड्स अ पावरफुल पिक्चर ऑफ द इफेक्ट ऑफ द कैलेमिटी ऑन द मेन कैरेक्टर्स। जो 3रा और अंतिम पार्ट है, अंतिम सेक्शन है, जिसे नावल का एपिलॉग कहते हैं, वह ये जो दुर्दशा होती है यानी माया अपने पति गौतम को छत से ढकेल देती है, गौतम का मृत्यु हो जाती है। माया की सास भी मर जाती हैं। पागल माया को अस्पताल ले जाया जाता है, माया आत्महत्या कर लेती है। ये सारे कैलेमिटीज 3rd part में हैं। मायाज मदर इन लॉ डाइज एट द एंड ऑफ द नावल। उपन्यास के अंत में माया की मदर इन लॉ यानी सास मर जाती हैं। माया कमिट्स सुसाइड। थैंक यू, धन्यवाद।